सरकार जाए, सरकार इसे अप्लाई करे, अमेंडमेंट में लेकर आए, इसे पास करे किसी भी सूरत में, क्योंकि हमारी आज हालात हो गए है कि हम इस तरह से पिछड़ गए हैं कि किसी में हमें गिना नहीं जा रहा, जिए तो कैसे जिए हम, ये मुद्दे हो गए आज हमारे, ये इस सिचुएशन पे हम आ चुके हैं। तो हमारा यही है कि हमारा रिजर्वेशन हमको दिया जाए। और दूसरी बात, मॉब लिंचिंग का मामला तो इतना बढ़ गया हमारा कि हर एक नौजवानों को रास्ते पर मारा जा रहा है, उनके गुनहगारों को सजा नहीं मिली। अगर एक भी गुनहगार को सजा मिलती थी तो आगे नहीं बढ़ता था मामला, लेकिन इसमें ना आप सजा दे रहे हो ना कुछ कर रहे, किस तरह से आप सरकार चला रहे हो फिर? आप ना संविधान के एक्ट को मान रहे हैं ना किस तरह, आप तो संविधान को ही पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, एक भी संविधान का एक्ट आप सीधे इससे नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, तो किस फायदे की है सरकार? सरकार का विरोध करने का एक ही मामला हमारा कि रिजर्वेशन हमारा पास करो। सेकेंड, मॉब लिंचिंग के जो मामले हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। मोहसिन शेख जो 2014 में इतना दर्दनाक उनका खून किया गया था, उनके गुनहगार को क्या किया गया? खुलेआम घूम रहे, पब्लिसिटी कर रहे उल्टा, तो आपके गुनहगारों को ये दे बढ़ावा दे रहे, यही चलने वाला है क्या? इस तरह से आप सरकार चला रहे? तो ये हमारा दूसरा मामला ये है कि आप जो हमारे मॉब लिंचिंग हो रही है इसको रोको। और थर्ड हमारा ये है कि संविधान का जो हमारा पर्सनल लॉ है उसमें किसी भी सरकार को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारे संविधान में आता है। आप संविधान को ही नहीं मान रहे, कैसे चल रही है सरकार? संविधान को ही नहीं मान रही आप, किसके आइडियोलॉजी ये कर रहे हैं ये सबको पता है कि बीजेपी की सरकार है ना हमारे मुल्क में, किसकी आइडियोलॉजी मान रही है? संविधान को तो फॉलो ही नहीं कर रही है। मोर्चे तो हमारा यही मार रही है कि हम एकदम शांति से पीसफुली हमारा मोर्चा होगा गोलीबार मैदान से कलेक्टर ऑफिस तक हमारा ये मोर्चा होगा। इसमें इतनी ज्यादा तादाद में हमारे 5-6 लाख तक लोग होंगे उसमें। और ये हमारे जो रिजर्वेशन का मामला जो हमारे मान्यता है, जो हमारे ये प्रॉब्लम्स है, इसको हम उधर मानने वाले सरकार के विरोध में।